आलोक अवस्थी जी, आलोक अवस्थी जी, मनोज काका कह रहे हैं, पहले आप उसका भी उत्तर दे लीजिए, फिर मैं आपसे भी कुछ पूछूंगा। अवस्थी जी, राजेंद्र जी, आपने मनोज काका जी को पूरे मैं घर ही देख रहा हूँ, 6 मिनट दिए। जी जी, बोलिए बोलिए आप। और मुझे लगता है कि मुझे मेरे साथ भी आप न्याय करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। निश्चित रूप से जिन्ना आपको कौन लेकर के आया उत्तर प्रदेश की राजनीति में? श्रीमान अखिलेश यादव लेकर के आए। क्यों लेकर के आए? क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति के वो आधार स्तंभ है, इसलिए उनको लेकर के आए। आज की जो अखबार की जो चर्चा करी गई है कि जो अखिलेश यादव जी ने कहा है कि पाकिस्तान में जो हिस्से जो है दुश्मनी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जो है उनकी दुश्मन है, जिस तरह की बात कही गई है उस पर मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब अच्छा लगेगा तो मुझे लगता है कि काका जी देंगे। खालिद मुजाहिद काका जी आप जानते हैं कौन थे? तारिक काजमी थे, आप जानते हैं क्या इनको? मोहम्मद अख्तर और सज्जादुर रहमान, ये 4 लोग हैं जिनके नाम शायद काका जी को याद नहीं होंगे और मेरे ख्याल राजेंद्र देव जी आपको भी नहीं याद होंगे। मैं बताता हूँ कि 4 लोग वो प्रमुख आतंकवादी हैं और इनके साथ 12 अन्य लोग जिनके मुकदमे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने शासनकाल में मनोज जी सुन लीजिए मनोज जी सुन लीजिए मनोज भाई सुन लीजिए उनको अपनी बात कहने दीजिए उन्होंने नहीं टोका आपको। मनोज भाई उन्होंने नहीं टोका आपको, उनको अपनी बात कहने दीजिए। आप रिस्पॉन्ड करिएगा पहले उनको अनइंटरप्टेड अपनी बात कहने दीजिए। मनोज भाई अनइंटरप्टेड, अवस्थी जी, सिर्फ अवस्थी जी को सुना जाएगा। जी जी, सिर्फ अवस्थी जी को सुनेंगे। जी, 4 आतंकवादी हैं जिनको श्रीमान अखिलेश यादव ने मुकदमे वापस ले लिए थे और आदरणीय उच्च न्यायालय ने, हाईकोर्ट ने, जब समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा था कि इनको पद्मश्री भी दे दीजिए आप, उनके मुकदमे वापस होने दीजिए, और हमारी सरकार ने इन 4 लोगों को फांसी के तख्ते पर पहुंचाया है और 12 अन्य को जिनको समाजवादी पार्टी ने छोड़ा था उन्हें आजीवन कारावास की सजा कराई है। इसलिए कहते हैं कि इनको आतंकवादी क्यों पा रहे हैं, इनको पुष्टिकरण क्यों पा रही क्या रहा है। मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, समाजवादी पार्टी सैफई में नाच गाना कर रही थी, कोई भी वहां पर आग बुझाने के लिए नहीं गया। 4 दिन तक पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश जलता रहा। क्यों इसलिए नहीं गए? क्योंकि इनके प्रिय तुष्टिकरण करने वाले एक धर्म विशेष के लोग इनके तुष्टिकरण के प्रिय थे, जो कि वो उनके उनके लोग तो शामिल थे, इसलिए ये वहां पर नहीं गए। पूछिए ये अतीक अहमद मुख्तार अंसारी कौन है, इनके रोल मॉडल है कि नहीं है? पूछिए इनसे इनके रोल मॉडल है कि नहीं है, जिन्होंने कितने लोगों को रुलाया है, आज आंसू से खुद रो रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को नेतनाबूद किया है, बुलडोजर चलाया है, ठीक है, सरकार क्या है, गरीबों के आवाज बना रहे हैं, यहाँ से इससे भी बात नहीं आए कि अपराधियों का समर्थन करने वाले लोग, पूछिए इनसे इन्होंने तो टिकट बांटा है। नाइद हसन कौन है? नाइद हसन वही है, मैं पूछूंगा, मैं अवस्थी जी नाइद हसन वाला विषय मैं लेके आ रहा हूँ, ये ठीक है, और नाई दर्शन वाले विषय पर सवाल पूछूंगा मैं।